इस देश को कहा जाता है परियों का देश, क्योंकि यहाँ की महिलाएं विश्व भर में सबसे सुंदर मानी जाती हैं। पर परेशानी की बात तो ये है कि जो यहाँ के पुरुष हैं, वो अपना भविष्य बनाने अपने ही देश को छोड़कर दूसरे देशों में बड़ी संख्या में जा रहे हैं, जिसमें युवा सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में यहाँ महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं और उन्हें दूसरे देशों के पुरुषों के साथ शादी करनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को भारतीय पुरुष सबसे ज्यादा पसंद हैं, खास तौर पर शादी के मामले में, क्योंकि 50,000 से लेकर 70,000 भारतीय आज इस देश में रहते हैं और बहुत सी सुंदर अमीर महिलाओं ने अपना जीवन साथी एक भारतीय पुरुष को चुना है। आप ऐसे बहुत से जोड़े यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें ये सुंदर परियां भारतीय पुरुषों के साथ शादी करती हैं। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो ये देश आपको खुश कर देगा, क्योंकि यहाँ की चॉकलेट का स्वाद सबसे खास होता है। प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महल किले और राजा रानियों की कहानी इस देश को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। दोस्तों, ये सुंदर सा देश है बेल्जियम। जानेंगे इसे करीब से, यहाँ की परंपराओं को, इमारतों को, खान पान पहनावे को और इसके इतिहास के साथ कुछ अद्भुत तथ्यों को। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक इस अद्भुत देश बेल्जियम के सफर में। हमारी लास्ट वीडियो में कमेंट करने वाले महेंद्र दामोर बांसवाड़ा राजस्थान से, सैयद शेख हुसैन बिहार मुजफ्फरपुर से, मुकेश महेरिया अहमदाबाद गुजरात से, गुलाब नेगी उत्तराखंड से, प्रफुल्ल श्रीवास्तव थाने से, अमित कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से, इन सभी दोस्तों का प्यार दिखाने के लिए दिल से धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर समय कम है और हम किसी देश को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस देश की राजधानी को जानना चाहिए। तो ये है बेल्जियम की राजधानी, यहाँ का सबसे बड़ा शहर ब्रुसेल्स। ये शहर इस देश का सबसे प्रमुख शहर तो है ही, साथ ही साथ जो यूरोपीय यूनियन है उसका जो प्रमुख केंद्र है वो यहीं पर है। इस शहर में यूरोपीय यूनियन के मेन ऑफिसेज मौजूद हैं। इस शहर को पहली बार 10वीं शताब्दी में बसाया गया था। लिखित रूप में जो दस्तावेज हैं उनसे पता चलता है कि जब एम्परर ऑटो सेकंड आए तो उन्होंने इसे एक गांव या फिर बस्ती के रूप में बसाया था और उस समय यहाँ एक छोटा सा बाजार लगा करता था। फिर धीरे धीरे यहाँ राजा और रानियां और साम्राज्य आते गए और उन्हीं के साथ ये जगह विकसित होती चली गई। ये है राजधानी की सबसे खूबसूरत जगह, जिसे ग्रैंड प्लेस भी कहते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस जगह पर सदियों पुरानी इमारतें आपको दिखाई देंगी, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। जहाँ लोग पैदल चल रहे हैं, यहाँ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ एक भी फालतू कागज का टुकड़ा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगर आप स्टारबक कॉफी के शौकीन हैं तो यहाँ आपको वो तुरंत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भारत के मुकाबले महंगी पड़ेगी। पर जब सामने इतनी सुंदर इमारतें हों, शानदार मौसम हो, तो ये महंगी कॉफी पैसा वसूल कर देती है। यहाँ पर लोग संगीत बजाते हैं, फोटो खींचते हैं और कुछ लोग तो टूरिस्टों के लिए अतरंगी रूप लेकर आते हैं, ताकि वो सैलानियों को, लोगों को खुश कर सकें या फिर चौंका ही दें। अगर आप इस जगह पर आते हैं तो यकीनन आप मध्य युग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल और हवा कुछ इसी तरह की है। पूरे यूरोप में इटली का वेनिस शहर बहुत ही मशहूर है, लेकिन बेल्जियम का सिटी सेंटर और ग्रैंड प्लेस किसी से भी कम नहीं है। बेल्जियम है तो बेहद ही खूबसूरत देश, लेकिन ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश राज्य से भी छोटा है क्षेत्रफल के मामले में। बेल्जियम का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 30,688 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के छोटे देशों में गिना जाता है, जिसकी रैंक है एरिया के मुताबिक 92 नंबर पर। इस देश में केवल 1,17,00,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 50% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ का दूसरा बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसे लगभग आबादी का 6-8% हिस्सा फॉलो करता है। इसके बाद लगभग 2% में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। बेल्जियम की आबादी का लगभग 40-45% हिस्सा ऐसा है जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखता, यानी
लगभग 1,17,00,000 की आबादी वाले इस देश में 30 से 35 लाख लोग नास्तिक हैं। बेल्जियम में अगर आपको पूरी तरह से मध्ययुग में खो जाना है तो ये जगह है ब्रुक्स, जिसे इस देश का सबसे रोमांटिक शहर माना जाता है। शहर के बीचों बीच नहर बहती है, जिसके दोनों तरफ घर बने हैं, और ये घर आज से 500-600 साल पहले बने थे और कुछ तो उससे भी पहले के हैं। इसी तरह की एक इमारत है ये बेलफ्राई ऑफ ब्रुक्स। इस बेल टावर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और आज ये टावर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इसमें जो घंटियां लगी हैं वो 47 हैं, जो उस समय एक हथौड़े से बजाई जाती थी, जिससे लोग एक जगह प्रार्थना के लिए जमा होते थे। इसके अलावा जब इस शहर में कोई आपदा या इमरजेंसी होती थी, तब भी इन घंटियों को बजाकर शहर के लोगों को सचेत किया जाता था। हालांकि आज इन बेल्स और क्लॉक टावर की बहुत सारी मशीनरी और मोटर को बदला गया है, क्योंकि पुरानी मशीनें खराब हो चुकी हैं, पर इस बेल टावर की जो इमारत है, जो इतिहास है, वो आज भी 700 साल बाद वैसे ही बरकरार है। इसके अलावा इस शहर को जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बनाती है वो है यीशु मसीह का खून का संरक्षित करना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो चर्च है बेसिलिसिया ऑफ होली ब्लड, यानी उसमें जीसस क्राइस्ट के खून को संरक्षित करके रखा गया है, जो पहले इसराइल में मौजूद यरूशलम में था। इसी के चलते इस शहर में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी हर साल हजारों लाखों सैलानी आते हैं। एक साल में एक बार होली ब्लड को लोगों के सामने दिखाया जाता है। ये शहर पूरी तरह से पुराने दौर की याद दिलाता है, जिसमें उस जमाने की इमारतें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। अब हम आपको देश के तीसरे सबसे प्रसिद्ध शहर में लेके चलते हैं। पहले हमने जाना राजधानी ब्रुसेल्स को, उसके बाद जाना ऐतिहासिक और रोमांटिक ब्रुक शहर को, और अब आपके सामने है देश का तीसरा और आखिरी सबसे प्रसिद्ध शहर घेंट। हम तो इसे घेंट पढ़ते हैं, लेकिन बेल्जियम के लोग इस शहर को गैंट कहकर बुलाते हैं, क्योंकि इनकी भाषा अलग है। इस शहर में जो सबसे पहली चीज देखने योग्य है वो है ग्रावावेस्टीन का किला। इस किले को द कैस्टल ऑफ काउंट्स भी कहा जाता है। इस किले को 1180 में काउंट फिलिप ऑफ एलसेक्स ने बनवाना शुरू किया था। ये किला उस समय डच के राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। इसे बनवाया ही इसलिए गया था ताकि गेंट शहर के लोगों को दुश्मनों से बचाया जा सके, पूरे शहर को सुरक्षित रखा जा सके। ये किला लीज नदी के किनारे मौजूद है और इसी नदी से किले में पानी पहुंचाया जाता था। किले की दीवारों को मोटे मोटे पत्थरों से बनाया गया है। एक बड़ा सा सुरक्षित गेट है। इसके अलावा सेना के हथियारों को छुपाने के लिए खुफिया कमरे और तहखाने भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बेल्जियम की हमारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल्जियम का हमने ये पहला पार्ट बनाया है, आने वाले कुछ दिनों में हम इसका सेकेंड पार्ट भी जरूर लेकर आएंगे। तो बने रहें हमारे साथ इसी तरह अपना प्यार दिखाते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए।